समीक्षा को बहुत नहीं पहचानता, भाविन को बहुत नहीं पहचानता। समीक्षा का फेसबुक पे पूरा जो इमिटेट की थी ना ये लड़की, मतलब आज आ जाओ, बहुत कमाल करती है यार तुम। समीक्षा समीक्षा के लिए जोरदार तालियां। सर लोगों देखने दो कौन है। भाविन समीक्षा डू यू से समथिंग। यार मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका टिकटॉक देखते रहता हूँ। थोड़ा टिकटॉक का टिप्स, कितने लोग टिकटॉक पे वापस आते ऊपर करो। तो आज एक दो ज्ञान की चीजें आपको टिकटॉक की हम लोग बताएंगे, ठीक है। समीक्षा कैसे आप कहाँ रहती है? डू स्टे हियर ओनली? वी बोथ स्टे इन मीरा रोड। मीरा रोड से आप लोग आए जी? और जो बिल्डिंग में बैकग्राउंड है पूरा मीरा रोड है। हाँ जी। मैं सोच रहा था वर्सोवा में कहीं बन रहा है। मीरा रोड में कहाँ रहती है आप? ईस्ट या वेस्ट तो यही नहीं ना? आई एम सो सॉरी, मैं भाईंदर में पला बिग रहा हूँ, मैं भूल गया मीरा रोड से ईस्ट है। तो कैसे है ट्रैवल, कैसे टोल वोल देके आए आप? जब तक ये है तब तक टोल देने की जरूरत क्या है? तो ऐसा टोल नाका पे बोलने का भाविन का दोस्त है तो छोड़ देते हैं। भानुशाली नाम ही काफी है। तो समीक्षा एंड आप दोनों एक एक टिकटॉक का अगर टिप दे हमें क्या करना चाहिए। मेरे साथ भी टिकटॉक बना लो, बहुत फॉलोअर्स कम है यार मेरे। इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज्यादा है लेकिन टिकटॉक पे कम है। एनी टिप्स यू वांट टू शेयर? आप खाली टिकटॉक स्टार न थी पर अपना गुजरात नो आपनो गौरव छे एने जोरदार तालियों थी बताओ। मने पोताने भी नवाई लागे छे के केटला केटला ओछा समय में केटला तारा फॉलोअर्स छे? सो प्राउड ऑफ यू, ખરેખર બહુ જ આનંદ થાય છે કારણ કે આ મારા મિત્રનો દીકરો છે અને મારા પરિવાર જેવો છે એટલે મને વધારે એના ઉપર પ્રાઉડ થાય છે। એક વાર જોરદાર તાળી વગાડી। અને સમીક્ષા પણ એમનો આખો ગ્રુપ જોરદાર છે, હું એ જોઉં છું। વિચાર કરો ટિકટોક પહેલા જોતો નહોતો, મને છે ને મારો સન છે આમિર એને પહેલી વખત આનો વિડીયો ટિકટોકમાં બતાવ્યો અને ત્યારથી પછી હું એનો ફોલોઅર થઈ ગયો છું। થેન્ક યુ સો મચ। હેશટેગ ટીમ બિગાડા ઓફ ગાઈઝ ટિકટોક પે ચલતા હૈ સમીક્ષા એન્ડ બાત કુછ નહીં હૈ લેકિન એસા લગે કે લાઈફ મે કોઈ કામ સે પૈસે નહીં બન રહે તો ટિકટોક પે થોડા દિન ટાઈમ પાસ કરો, ટિકટોક બહોત દેગા। આયા ભાનુશાલી, પ્યાર મિલેગા, હમ પ્યાર કે ભૂખે હૈ વૈસે। मेरा टिप तो यही है कि टिकटॉक पे आप वो करो जो आपका मन करता है करने के लिए, क्योंकि आप मन से जो चीज करोगे ना वो आप बहुत अच्छी करोगे। तो लोगों की पब्लिसिटी के लिए या फेम के लिए मत करो, अपना दिल, हाँ जो प्यार मिलता है उसके लिए करो तो काम बहुत अच्छा निकल कर आएगा। यही टिप है मेरा। तो क्या बाकी में जो लड़की बैठी है ना वो बहुत सुंदर है, वो मांग रही बगल वाली सीट पर अपन नहीं दे सकते क्योंकि फ्लाइट है 2 घंटे की भाई, और अपन नहीं सकते जितने भी सुंदर नहीं कि तुम बच जाएगी। तो भैया बादल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एवरी डे अगर आप फोटो वोटो खींच रहे हैं, मुझे आप सब खींच रहे हैशटैग GoCeleb जरूर डालिएगा। सी यू टुमारो थ्री अपना कौन रेडियो से भी अगर मौका मिले तो सुन लेना। आईडी इज @RJ7। सी यू गाइस टुमारो। आउट गो। थैंक यू सो मच। यस ये की है बेटा, 4 साल से मेरा पीछा कर रही है, हर नवरात्रि में आ रही है। तो ये मेरा 4th साल है जो मैं होस्ट कर रहा हूँ प्रोफेशनली। पहले एज अ गरबा लवर जो नीचे खेलता था वैसे मेरा होता था, लेकिन अब मैं स्टेज पे हूँ सो आई सी दी अदर साइड। और जब लोगों को देखते हैं इतना उत्साह से, इतने दूर दूर से आते हैं लोग। आज एक हमारा विनर आया था, ही वॉज डेफ, सुनाई नहीं दे रहा था उसको, फिर भी बीट्स पकड़ के वो जो डांस कर रहा था। तो ये सब जब आप स्टेज से देखते हैं तब आपको समझ में आता है, जब आप नीचे डांस करते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, कौन कहाँ से आया। सो वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड GoCeleb ने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया ये नवरात्रि। आई थिंक मैं एज आई एम सेइंग ये मेरा 4th साल है होस्टिंग का। ऑफ ऑल द 4 इयर्स आई हैव होस्टेड दिस इज माई बेस्ट नवरात्रि एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या खा के आते हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने भारी भारी कपड़े पहन के। देखो अभी ये भी मैंने थोड़ा भारी कपड़ा पहना है, मेरे को ऐसा चलने का मन नहीं करता। उन लोग कूद कूद के नाचते हैं, मतलब अंदर कुछ तो जड़ी बूटी चूरन उरन खाते या कुछ तो पीते तब जाके इतनी एनर्जी आती, वरना तो कोई चांस ही नहीं है एनर्जी का उनका। वो एनर्जी आती है एक अच्छी बियर जिसको हम लोग कहते हैं बटर मिल्क। अच्छा, तो आज से हम सब पिया करेंगे एक अच्छी बियर। हाँ, मोटे भी नहीं होंगे उससे। थैंक यू।
या ऑडियंस तो बहुत काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रही है और मुझे स्पेशली बहुत मज़ा आ रहा है. आई एम परफॉर्मिंग विद उस्मान सर जी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और लाइक एक्सपेक्टेड आज क्राउड बहुत अच्छा था एंड ऑडियंस इज एंजॉइंग अ लॉट विद अस एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट ऑल आर एंजॉइंग. या GoCeleb स्पेशली चिराग वैष्णव जी, मैं पहली बार उनके साथ काम कर रही हूँ एंड दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी दैट कंसिडरिंग मी विथ सच अ ग्रेट सिंगर्स लाइक भूमि त्रिवेदी एंड उस्मान सर जी एंड दे आर लाइक वेरी मच प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइज एवरीथिंग वेरी प्रोफेशनली एंड इन वेरी गुड वे. So I am very happy and I am like performing a first time with GoCeleb events. So this is my first very experience and very nice experience performing with them. तो नया वीडियो आ रहा है कल जिसमें हम इसमें मैं विशाल और समीक्षा गोलगप्पे की रेस लगाते हुए दिखाई देंगे. यानी कंपटीशन होगा कौन सबसे ज़्यादा गोलगप्पा खाता है. ऐसा तुमको लगता है तो वो तो वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा. करो तीन तिगाड़ों को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो तो पता चल जाएगा आपको. कल ही ड्रॉप हो रहा है तो सारा बहुत सारा प्यार दीजिएगा. और हमारा म्यूजिक वीडियो हमारा म्यूजिक वीडियो आ रहा 7 तारीख को रांझण वे. तो बहुत ही क्यूट दिख रहा है. मैंने तो देखा है इट्स लाइक अ टिकटॉक सॉन्ग. बहुत प्यारा सॉन्ग है तो प्लीज जितना हमें प्यार करते हो उस सॉन्ग को भी उतना ही प्यार करना. पूरा मंत्री सिंगर है रामजी गुलाटी. एंड 3 2 1 गो तीन तिगाड़ा लव्स यू लव्स यू. सो मैं ये आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइज करके इतना बढ़िया इवेंट कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. लोगों को नाचते देखते हुए अच्छा लग रहा है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं. ये हमारा पहला ईयर है. मैनी मोर टू वे एंड वी आर एंजॉइंग कि वो लोग बहुत खुश है हमारे प्रेजेंटेशन से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से. हमने जो भूमि त्रिवेदी और उस्मान मीर का जो परफॉर्मेंस करवा रहे हैं उनसे बहुत ही खुश है वो लोग. और फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी कारपेट नीचे बिछा के रखी है. बाकी सब जगह कहीं भी चले जाओ इतना गंदा सा ग्रीन सा अजीब सा होता है. दिस इज अमेजिंग कारपेट. आपके पैर नहीं छिलेंगे ताकि आप रोज आ सको और रोज गरबा खेल सको. राइट? यस, हैदराबाद से मंगवाई है हमने स्पेशली. सो एंजॉय GoCeleb गरबा. थैंक यू.